हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के तटीय मैदान और घाटों के बारे में। ये सब सारी जानकारियाँ भारत के भूगोल से संबंधित है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से। तो आपको यहाँ से भी जुड़ी जानकारियाँ जो हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, ताकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो जो चैनल में नए आए हैं वह पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने आपको भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो जो चैनल में नया है वह सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे ही जानकारी और अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जानकारियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत में दो तट स्थित हैं, एक है पूर्वी तट, दूसरा है पश्चिमी तट। दोस्तों भारत एक प्रायद्वीप है और यहाँ पर तीन तरफ से यह समुद्र से घिरा है। पूरब की ओर है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर है अरब सागर और नीचे में है हमारा हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से भारत घिरा हुआ है, तो इसी कारण से यहाँ पर भारत भी तटीय सीमा या तट बनाता है इन समुद्र के साथ। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं या जो तट बनाते हैं, तो वह है 9। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तट बनाते हैं। तो पूर्वी तट, पश्चिमी तट और ये दो तट स्थित है। अब देखिए, पूर्वी तट में पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसे पूर्वी घाट कहा जाता है। ये आप ऊपर वाला जो देख रहे हैं काला काला के ऊपर में जो है वह है एक पूर्वी तट में स्थित पर्वतों की एक श्रृंखला है। उसी प्रकार से पश्चिमी तट में भी एक पर्वतों की ही श्रृंखला है, ये आप लोग मैप में देख रहे हैं। तो पूर्वी तट में जो है पर्वतों की श्रृंखला उसे कहा जाता है पूर्वी घाट, यानी ये पूर्वी घाट हो गया। और पश्चिमी तट में पाए जाने वाले पर्वत श्रृंखला को कहते हैं पश्चिमी घाट, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। अब दोस्तों पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वी घाट हो गया और ये पश्चिमी घाट हो गया, लेकिन इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम है, एक है महेंद्रगिरी पर्वत, दूसरा है सह्याद्री पर्वत। आपको ये ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हो सकता है एग्जामों में। दोस्तों ये जो घाट है वह पठारों की ढलान ही है। ये जो है घाट कैसे बना है, तो ये एक पठारों की ढलान है, क्योंकि भारत एक प्रायद्वीप है और भारतीय प्रायद्वीप में बहुत सारे पठार हैं, तो इन्हीं पठारों से ही इन घाटों का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग महेंद्रगिरी पर्वत और सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा इन घाटों का अपरदन और अवक्षेपण के कारण समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसे क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। दोस्तों भारत के जो नदियां हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, वे इन घाटों को अपरदन किए हैं, फिर उसका अवक्षेपण करने के बाद में समुद्र तट में ये लोग मैदान का निर्माण किए हैं। यानी कि इन घाटों का जब अपरदन नदियों के द्वारा हुआ है, तब ये घाट समुद्र तट में मैदान का निर्माण हुआ है जो प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक जो काला काला दिख रहे हैं, वे सब सारे तटीय मैदान है, पूर्व की ओर भी है और पश्चिम की ओर भी है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान कहलाते हैं और पश्चिमी तटीय मैदान कहलाते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलती है उसे नीलगिरी पहाड़ियां कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो महेंद्रगिरी पर्वत है और ये जो सह्याद्री पर्वत है, जो क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, तो वे जहाँ पर मिल रहे हैं साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में, वह जगह जो है वह नीलगिरी पहाड़ियाँ कहलाती है। वह कौन सा पहाड़ियाँ कहलाती है, तो वह नीलगिरी पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ये मैं आपको गोल करके दिखाया हूँ ताकि आपको ध्यान में रह जाए। और ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं यह तमिलनाडु राज्य में है, आपको ये जानकारी भी ध्यान रखना है। और इसी नीलगिरी पहाड़ियाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोदाबेटा जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा आप उसको टिक कर लेंगे। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोदाबेटा, जो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी है। दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे ऊटी पर्यटन स्थल के बारे में, तो यह जो ऊटी पर्यटन स्थल है वह नीलगिरी पहाड़ियों में ही स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। और इसी नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों इसी नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तो उसको पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पश्चिमी घाट में है और ये जो पूर्वी घाट में है, उसमें तटीय मैदान या तट, इन दोनों के बारे में देखेंगे और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है।
तो हम लोग पहले बात करेंगे पश्चिमी तट की, और इसमें जो मैदान है उनको क्या क्या नाम से कहा जाता है, ये जो घाट है उसको क्या नाम कहा जाता है, तो इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी तट को। तो यहाँ पर है पश्चिमी तट को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है और इसका विस्तार है गुजरात से केरल तक। तो दोस्तों ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है या पश्चिमी तट है उसको मेनली चार पार्ट में बांटा गया है और इसका जो विस्तार है वह गुजरात राज्य है और नीचे में है केरल, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी तट को जो कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका भाग बांटा गया है चार, लेकिन इसका विस्तार अगर पूछता है तो उसका विस्तार हो जाएगा गुजरात से लेकर केरल तक। पहला है काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कन्नड़ तट और चौथा है मालाबार तट। तो ये चार भाग हैं। अब देखते हैं कि ये जो काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गुजरात राज्य है, यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यह दमन जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है, तो दमन में जाकर के यह खत्म होता है, तो यह होता है काठियावाड़ तट। तो इसका विस्तार को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि एकदम आसानी से याद हो जाए। तो इसका विस्तार है यहाँ पर है कच्छ, कच्छ के रण से दमन तक, इसका विस्तार है कच्छ के रण से दमन तक। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर गुजरात राज्य में वह है हमारा कच्छ करण, तो कच्छ के रण से लेकर के यह दमन तक, यानी कि यह मेनली गुजरात राज्य में है, यह आपका मुख्यतः गुजरात राज्य में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है कोंकण तट, यह है कोंकण तट। तो यह जो कोंकण तट है वह गुजरात के दमन यानी कि गुजरात राज्य के बाद से लेकर के यह गोवा के जगह तक पहुंचता है, तो यह जो तट होता है उसको कहते हैं हम लोग कोंकण तट। तो इसका विस्तार को मैं लिख देता हूं, विस्तार दमन से गोवा तक, तो इसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट। इसका जो मुख्य विस्तार है यानी कि इसका अधिकांश भाग कहाँ है, तो इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में। तो आपको ये भी जानकारी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में कोंकण तट का विस्तार सबसे ज्यादा है। अब तीसरा है हमारा कन्नड़ तट, यानी कि तीसरा है हमारा कन्नड़ तट। तो यह है इसका विस्तार गोवा से मंगलोर तक, गोवा से मंगलोर तट तक। तो यह जो है जो मंगलोर है वह कर्नाटक में स्थित है यानी कर्नाटक राज्य में एक जगह है मंगलोर, तो इसका जो विस्तार हो गया ये तो गोवा से मंगलोर तक हो गया, तो इसका अधिकांश भाग जो कहाँ है, इसका अधिकांश भाग कर्नाटक राज्य में है, इसका अधिकांश भाग कर्नाटक राज्य में है, क्योंकि कर्नाटक में जो बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है वह है कन्नड़, यानी कि कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो इसी के कारण इस तट का नाम रखा गया है कन्नड़ तट। तो आपको ये जानकर ध्यान रखना कि गोवा से मंगलोर तक का जो तट होता है वह होता है कन्नड़ तट और इसका अधिकांश भाग है कर्नाटक राज्य में। अब चौथा है हमारा मालाबार तट, चौथा है हमारा मालाबार तट। तो इसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, तो इसका जो विस्तार है वह है मंगलोर से केरल तक, तो मंगलोर से केरल तक है और इसका जो अधिकांश भाग है वह कहाँ है, तो इसका जो अधिकांश भाग है वह केरल में है, यह मैं लिख दिया हूँ लेकिन यहाँ पर भी लिख देता हूँ अधिकांश भाग केरल में स्थित है। अब दोस्तों आपको यह तो चारों
जो तट थे मेन तट काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मलाबार तट, इसके बारे में जानकारी देख ली कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसका अधिकांश भाग कौन से राज्य में पड़ता है। यहाँ पर और मेन चीज़ जो है उसको मैं बताता हूँ, तो पश्चिमी तटीय मैदान में कन्नड़ तट पर इसकी चौड़ाई कम है। यह जो पश्चिमी तटीय मैदान है या पश्चिमी तट है, तो यहाँ पर जो मैदान बने हैं उसमें इसका जो चौड़ाई है वह कम है। आप लोग ऊपर में भी वेब में देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो ब्लैक दिख रहा है वह थोड़ा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, फिर बीच में यहाँ पर कन्नड़ तट पर ये जो मैदान है उस मैदान की चौड़ाई क्या है, उस मैदान की चौड़ाई कम है। फिर नीचे में जा करके केरल राज्य में थोड़ा सा इसका चौड़ाई बढ़ गया है। तो आपको ये जानकर ध्यान रखना कि कन्नड़ तट पर ये जो मैदान है पश्चिम तटीय मैदान उसकी चौड़ाई कम हो गई है, और मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल में है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। अब देखिए, पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, और उसमें प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट में जो नदियां बहती हैं वे तो अपने मुहानों पर यानी समुद्र पर मिलने से पहले जो नदियों का निर्माण करती, सॉरी मैदानों का निर्माण तो करती ही करती हैं, लेकिन ये नदियाँ जो हैं समुद्र में मिलती है, तो इधर की जो ढलान है पश्चिमी घाट में जो ढलान है वह थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि पश्चिमी घाट में ढलान ज़्यादा होने के कारण में ये नदियाँ सीधे समुद्र में तो मिलती ही हैं। साथ ही साथ ये जब मिलती हैं तो क्या करती है कि समुद्र का जो पानी होता है उसको ऊपर से ढकेलती है, ऊपर से यह प्रेशर के साथ में गिरती है तो ढकेलती है, तो इससे क्या होता है कि समुद्र का पानी और नदी का पानी क्या होता है, ज्वार उत्पन्न करता है। वहाँ पर ज्वार उत्पन्न करना मतलब वहाँ पे पानी का लेवल थोड़ा सा उड़ जाता है, तो इस कारण से ये जो नदियाँ होती है पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियाँ वे लोग ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार का निर्माण करती है, उसी को एस्चुरी भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट में जो भी नदियाँ बहती हैं वे लोग एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाते हैं, और उसमें से भी मेन नदी है नर्मदा और ताप्ती। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह इम्पोर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है पश्चिमी तट पर अनुकूल परिस्थिति होने के कारण बंदरगाहों या पोर्ट की संख्या अधिक है। दोस्तों यहां पर जो नदियां बहती हैं या जो समुद्र यहाँ पर मिलता है तट में, तो इससे क्या होता है, तो इससे अनुकूल परिस्थिति होता है बंदरगाह बनाने के लिए यहाँ पर, तो इसी कारण से इस वाले पश्चिमी तट में बंदरगाहों की संख्या अधिक है पूर्वी तट के बंदरगाहों की संख्या में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मुंबई, गोवा, फिर कोचीन, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। तो आपको ये पश्चिमी तट पर जो भी बंदरगाह होते हैं वह पूर्वी तट की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं। तो आपको इस प्रकार से पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी तट के बारे में जो इम्पोर्टेंट थी वो सब सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे पूर्वी तट यानी कि पूर्वी तट या पूर्वी तटीय मैदान के बारे में कि इधर क्या विशेषता है इसकी, पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी तट, तो इसको देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान या तट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये जो पूर्वी तटीय मैदान है या पूर्वी तट है इसको मेनली दो दो भागों में बांटा गया है, और यह क्या है, एक है कोरोमंडल तट, दूसरा है उत्तरी सरकार तट। तो ये जो दोनों नाम है कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका विस्तार कहाँ से है, तो इसका विस्तार है कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल तक। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में है, एकदम भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो यह यहाँ से स्टार्ट होता है और पश्चिम बंगाल तक में इसका विस्तार खत्म हो जाता है। तो आपको ये जानना है कि पूर्वी तटीय मैदान को मुख्यतः तो दो भागों में बांटा गया है, तो एक है कोरोमंडल तट, दूसरा है उत्तरी सरकार तट। अब दोस्तों यहाँ पर पहले बताता हूँ कि उत्तरी सरकार तट में ही आपको दो तट और मिल जाएंगे आपको यहाँ पर जानकारी के लिए, तो उसमें से एक जो है पहला यहाँ पर इसका है, एक पहला उत्कल तट, उत्कल तट, और दूसरा है दीघा तट, दीघा तट, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले बताता हूँ कोरोमंडल तट, तो इसका जो विस्तार है कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वह है कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश राज्य तक है, आंध्र प्रदेश तक है,
और ये जो उत्तरी सरकार का जो तट है इसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, तो इसका जो विस्तार है वह है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक है, पश्चिम बंगाल तक। अब दोस्तों यहां पर है ये जो उत्तरी सरकार तट है उसी में दो भाग मैंने भी बताया कि एक है उत्कल तट दूसरा है दीघा तट। तो ये जो उत्कल तट है यहाँ उड़ीसा के पास में यानी कि उड़ीसा तट में जो है उसी को हम लोग कहते हैं उत्कल तट, क्योंकि उड़ीसा का बहुत पहले नाम हुआ करता था उत्कल, तो इसी के नाम से यह जो उत्कल तट है नाम रखा गया है, यानी उत्कल तट या उत्कल तटीय मैदान हम लोग इसी को कहेंगे। तो यह मुख्य रूप से जो है यह उड़ीसा राज्य में है, इसका विस्तार है उड़ीसा राज्य में है। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर में पूर्व साइड की ओर यहाँ पर हो जाता है हमारा उड़ीसा, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यह हो गया आपका उत्कल तट, क्योंकि यहाँ पर है हमारा उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा राज्य में है। अब दीघा तट, ये जो दीघा है यह भी एक पर्यटन स्थल है, क्योंकि ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और पूरी उसके बाद में इधर दीघा दोनों समुद्र तटीय हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे पर्यटन स्थल में आते हैं देखने के लिए लोग। तो ये जो दीघा तट है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में ही है एक इस वाले जगह पर वह है हमारा दीघा तट, तो यह अब पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोरोमंडल तट और उत्तरी तट सरकार तट जो है वह मुख्य रूप से दो भाग हैं पूर्व तटीय मैदान का, और उत्तरी सरकार तट में ही एक हमको मिलता है उत्कल तट और दूसरा है दीघा तट। उत्कल तट का विस्तार जो है वह पूरी तरह से उड़ीसा राज्य में है और दीघा तट है एकदम से पश्चिम बंगाल में, और यह उत्तरी सरकार तट का सबसे पूर्वी भाग है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और देखते हैं, तो पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान की जो चौड़ाई थी वह थोड़ा सा कम थी, लेकिन पूर्वी तट के जो मैदान की चौड़ाई है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक काला रंग में बनाया हुआ है तो ये चौड़ाई इससे ज़्यादा दिख रहा है। तो हमको जानना है कि पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज़्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पर पूर्वी घाट में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों उसमें से भी मुख्य नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी और गंगा। तो पूर्वी घाट में जो नदियाँ बहती हैं इस वाले भाग में, इधर से जो भी नदियाँ प्रायद्वीप पठार से बह करके आती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो ये जितनी भी नदियां होती हैं वे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा भी बता दूंगा। तो ये जो डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं वह हैं महानदी, गोदावरी और गंगा, ये मेन नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसमें भी हम जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी में या बंगाल में, उसी को कहते हैं हम लोग सुंदरबन डेल्टा। तो इधर में डेल्टा का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक उपजाऊ होने के कारण जनसंख्या सघन पाई जाती है। दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान में जो है ये जो मैदान सब होते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, यानी कि उपजाऊ इधर के मैदान बहुत ज़्यादा हैं। पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट के जो मैदान है उसके अपेक्षा इधर की जो मैदान है वह ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि ये लोग पूरे प्रायद्वीपीय भारत से बहते हुए आते हैं, तो साथ ही साथ अपने बहाव में हुए लोग मिट्टी और उपजाऊ चीज़ें लेके आती हैं और साथ ही साथ में समुद्र में मिला देती हैं, तो उससे पहले ये मैदान का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर अधिक उपजाऊ होती है। तो इसी कारण से पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट में जनसंख्या सबसे ज़्यादा सघन पाई जाती है, मतलब इधर जनसंख्या का जो वितरण है जो घनत्व है वह बहुत ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं ये जो मैंने अभी बताया कि डेल्टा, तो डेल्टा क्या होता है? तो दोस्तों डेल्टा होता है कि समुद्र के जो नदियाँ होती हैं, सॉरी समुद्र में जो मिलने वाली नदियां होती हैं वह मिलने से पहले अपने मुहानों पर क्या करती है, त्रिभुज के आकार का अपना जो लाई गई मिट्टियां होती है जो उपजाऊ मिट्टियां होती हैं उसको त्रिभुज के आकार में समुद्र से मिलने से पहले फैला देती हैं। तो किस प्रकार से, मान लेते हैं इसको इधर में देखता है, ये है मान लेते हैं ये हमारा समुद्र है इधर,
ये एक मेन नदी है, इस प्रकार से बह रही है, लेकिन ये क्या होती है, समुद्र में मिलने से पहले इसकी जो धाराएं होती है वह बढ़ जाती है, इसकी जो धारा होती है वह बढ़ जाती है, पूरी तरह से बढ़ जाती है इस प्रकार से। और ये जितनी भी जो धाराएं होती है वे अपने साथ में क्या करती हैं, जो उपजाऊ चीज़ें होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको ला करके समुद्र तट में पूरा फैला देती है, इस प्रकार से इस में पूरा फैला देंगे, ये पूरा फैला देंगे, इस में पूरा एकदम उपजाऊ मिट्टियाँ भर जाती हैं। तो क्या होता है कि ये जो त्रिभुज के आकार में जो बन रहा है, यहाँ पर मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी यानी उपजाऊ चीज़ें सब क्या हो जाती है, तो उपजाऊ चीज़ सब जो होती है वह समुद्र के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो इस कारण से ये जो त्रिभुज का होता है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। तो ये जो नदियाँ होती है यह अपनी मुख्य धाराओं से बढ़ जाती है और यहाँ पर उपजाऊ चीज़ों को भर देती है, तो इस कारण से ये जो बन गया थोड़ा सा उठा हुआ आकृति वह होता है हमारा डेल्टा। तो यह हो गया हमारा डेल्टा। तो ये जो है महानदी, गोदावरी और गंगा नदियाँ इस प्रकार की डेल्टाएँ बनाती हैं, और सबसे बड़ा डेल्टा होता है वो हमारा होता है सुंदरबन का डेल्टा, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में देख लिए, पूर्वी तटीय, पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में जो विशेषता है और जो भी जानकारियाँ थी, कौन कौन से तट को क्या कहा जाता है, ये सब सारी जानकारियाँ मैंने आपको बता दिया हूँ। तो आपको यहाँ से जितनी भी जानकारियाँ हैं वह याद कर लेनी है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जितने भी तो आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।